हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गुड मॉर्निंग, आज है सैटरडे, तो मॉर्निंग 11:45। तो हम लोग जा रहे हैं अनम का स्कूल में, पेरेंट्स मीटिंग है, तो हम लोग भाग भाग के जा रहे हैं। तो अभी 11 बजे से मैं ब्लॉग करेंगे, मैं जितना हो सके दिखाएंगे। तो रूम से निकल गया ऑलरेडी, निकलने से पहले दिखा नहीं पाया था क्योंकि जल्दी जल्दी रेडी होना था। तो वॉक करके जा रहे हम लोग, ज़्यादा दूर नहीं, पास है कि सोसाइटी का अंदर वॉक करके जाना पड़ता है स्कूल में। तो धूप बहुत ज़्यादा बाहर, क्योंकि मुंबई में अभी जब गर्मी पड़ रही ना, तो बहुत ज़्यादा ही है ना। अच्छा गार्डन है स्कूल का बगल है, यहाँ पे हर एक जगह में बैठने का जगह मिलता है आप लोगों को। जब रूम से निकालते बाहर बैठने का जगह रहती। तो भी आज हम लोग स्कूल पहुँच गए, तो बाद में फिर मिलते। हेलो व्यूअर्स, अभी अनम के स्कूल में आया हम लोग। तो अनम के स्कूल में सेंसरी डे है, तो बच्चों को सेंस के लिए कुछ दिखाई दे रहे सेंस इसमें। सेंसरी डे के लिए हर एक क्लास में ऑर्गेनाइज किया गया। तो अनम का हो गया सेंसरी टेस्ट, तो अनम खेलेगा, उसके बाद जाएंगे। तो व्यूअर्स, आज स्कूल में अनम का सेंसरी डे था, तो अभी हो गया कंप्लीट, अभी हम लोग जा रहे अनम। चलो व्यूअर्स, अभी हम लोग स्कूल से निकल गए, अनम वॉक करके जाएंगे। तो एक्चुअली स्कूल में मीटिंग तो वही था, जो लोगों को जो सेंस स्मेल एंड उसका जनरल नॉलेज के लिए जितना चाहिए वो सिखा रहे थे। तो इसके लिए आज सैटरडे स्कूल ऑफ डे था, तो अभी उसका अरेंज किया गया, तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। तो अनम तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, सब कुछ हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे बच्चों को, उसको आगे से पता होना चाहिए सब चीज़ों का। तो चलिए फिर अभी हम लोग रूम पे जाएंगे वॉक करके, बहुत ज़्यादा धूप है, फिर अनम गोद में नहीं उठेगा, वॉक करके जाएंगे। हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग, आप बाज रहे 8। तो मैं दोपहर के बाद अनम को स्कूल से लेके आया, उसके बाद मैंने लंच बनाया और अनम को खाना लेके सुला दिया। तो उस टाइम मैं ब्लॉग वीडियो नहीं कर पाया, फिर अभी इवनिंग में अनम ने छूट के अभी चला गया बाहर घूमने। तो मैं अभी थोड़ा काम कर रहे थे घर का, तो और एक चीज़ दिखाएंगे आप लोगों को, उसे शेयर करेंगे, वो है आज यू से मैंने एक ऑनलाइन में ड्रेस मंगाया। तो ये वाला ड्रेस ना कैसे है मुझे दिखाना है लोगों को। तो मैं ऑनलाइन में ना ज़्यादा ड्रेस नहीं मंगाती हूँ, तो मैं ट्राई कर रहे थे कितना ऑफर चल रहे थे, तो इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन ऑफ़र में बहुत कम मिल गया, इसलिए मैंने लिया, मैंने कट कर लिया। तो देखिए मैं दिखाती हूँ, ये ड्रेस ब्लैक गाउन है, जो फ्लोरल गाउन होता है ना उस टाइप का, ब्लैक एक्चुअली नहीं है, नेवी ब्लू टाइप का, तो बिल्कुल डार्क ब्लैक नहीं है। तो मैंने सोचा ये ब्लैक होगा, तो नहीं है, कलर थोड़ा डिफरेंस है, जितना फोटो में दिखाते हैं ना उतना नहीं है, तो इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये ड्रेस कैसा है मैं आप लोगों को बाद में दिखाएंगे, पहले मैं दिखाती हूँ इसका जो MRP वो दिखाती हूँ। इसका प्राइस मेरे से लिया है 741। तो देखिए
मैं दिखाती हूँ, बहुत ही कम प्राइस मिले। तो एक्चुअली प्राइस था इसका 2199 प्राइस है। देखिए ये वाला प्राइस था, ये वाला प्राइस था और डिस्काउंट होके आके 594 था, 594 था। मेरे को डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा फी लिया, इसलिए 741 लिया, 741 रुपये लिया। तो इसीलिए मैंने लिया, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में पड़ा था। गाउन है तो मैं एक फ़ोटो दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरह का था ड्रेस। अभी मैंने ब्लॉग में ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना चाहिए, बट मैंने सोचा मैं हर रोज़ ब्लॉग डालेंगे तो मेरे को हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं जॉब मेरे मैं पर्सनली ब्लॉग करेंगे तो मैं अपना चीज़ डालेंगे। जब हम दोनों अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जब अबू ने बनाएंगे तो वो उस तरह का वीडियो बनाएंगे और मैं जब ब्लॉग बनाएंगे तो मैं मेरे हिसाब से मैं बनाएंगे। मैं जैसे सिंपल लाइफ स्टाइल में, मैं जैसे घर में रहते बाहर रहते इस टाइप का आप लोगों को शेयर करेंगे, तो प्लीज़ देखते रहिए। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और घर का हालत ऐसे है क्योंकि अंदर अभी अभी खेल के गया तो मैंने सामान उठाया नहीं, क्योंकि अभी सामान उठाएंगे तो अभी तो थोड़ा देर बाद सामान फेंक देगा फिर। तो देखिए इस तरह का लॉन्ग है बहुत ज़्यादा और इसका स्लीप थोड़ा अलग है गाउन टाइप का, तो मैं एक दिन पहन के भी दिखाएंगे। तो पता नहीं मुझे लग रहा इसको रिटर्न करना चाहिए, इसका कलर ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, कलर थोड़ा अजीब लग रहे मुझे, ब्लैक बिल्कुल नहीं, नॉर्मल में ना अच्छा नहीं लग रहा, कैमरा में दिखाई दे रहे ब्लैक है तो ऐसे ब्लैक नहीं है। इसमें एक बेल्ट भी है तो आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं पता नहीं। तो जो इस टाइप का कुछ इसका स्लीप लेज है, तो मैं सोचा इसको मैं मॉडिफाई करेंगे, मैं इसके लिए एक अलग सा टी शर्ट कपड़ा पहनेंगे, इसीलिए मैं इस टाइप का लिया। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा इतना कम प्राइस में मिल जाए तो अच्छा है। तो ये ड्रेस कैसे लगा प्लीज़ आप बताइए। इसका मटेरियल है ना जॉर्जेट टाइप का और सिंथेटिक टाइप का, कॉटन नहीं है ये, क्योंकि गाउन ज़्यादा कॉटन नहीं रहते। तो इतना भी हार्ड नहीं, सॉफ्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो 741 रुपये में कितना अच्छा मिलेगा आप लोगों को, जितना दिया वही अच्छा है। तो मैंने रखेंगे या कि रिटर्न करेंगे वो भी दिखाएंगे, क्योंकि मुझे इसका कलर अच्छा नहीं लगा। ये कैमरा में एक दिखाई दे रही और रियल में एक दिखाई दे रही, रियल में ना कलर कैसे है ना ब्लैक तो ज़्यादा वो नहीं कर रहे, एक ग्लेजी टाइप का ब्लैक होता है ना वो नहीं है, मैश ब्लैक जो ब्लू टाइप का, तो अच्छा नहीं लग रहे। तो देखते फिर आगे से कभी पहनेंगे तो दिखाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, आज का ब्लॉग वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे और भी वीडियो डालने मन करे, क्योंकि मेरे को टाइम जितना मिलता है ना मैं ब्लॉग बनाती हूँ फिर एडिट करती हूँ, क्योंकि अनम छोटा है अभी तो अनम को लेके बहुत ज़्यादा वो होता है। अनम अभी आजकल अकेले नहीं घूमता, इसे मामा मामा करता है, इसीलिए मेरे को टाइम नहीं मिलता और कुछ कोई नहीं है, इतना भी काम नहीं है जो टाइम वीडियो एडिट करना ही पड़ता। लेकिन अनम ज़्यादा रोता है इसलिए, तो हमारा साथ दीजिए, ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आप लोग देखते नहीं, ब्लॉग व्यूअर्स कम है इसलिए बोल रही हूँ हम लोगों को, प्लीज़ 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 फिर ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। तो चलो व्यूअर्स बाय, फिर मिलते हैं अनदर ब्लॉग में।